टेम्पू यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जिंदाबाद। टेम्पू यूनियन 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 जिंदाबाद। था कलेक्टर साहब को, उसके विषय में कोई हमारे साथ कार्यवाही नहीं की गई है। हमें मार्डर में इससे वापस रेलवे स्टेशन नहीं आने दिया जा रहा, जबकि जाम ऑटो रिक्शा और अवैध गाड़ियों से होता है और ठेलों से होता है, और हमें ट्रैक्टर चल रहे हैं, लंबे लंबे ट्रोले चल रहे हैं। अगर ये लोडिंग गाड़ी को रोक देवे, स्टेशन नहीं आने देवे, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक स्टेशन नहीं आने देवे, तो काफी ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा। लेकिन वो उनको नहीं रोक रहे हैं और पैसेंजर गाड़ियों को बॉर्डर बीच से खाली कर रहे हैं, जिसके कारण हमें 15 दिन अंदर जाने दे रहे हैं, 15 दिन बाहर जाने दे रहे हैं, और 15 दिन में हमारा पालन पोषण भरण हो नहीं पा रहा है, हमारी किस्तें नहीं भरी जा रही है, हमें परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कई चीजें हैं कि ऑटो स्टैंड वालों को अवैध गाड़ियां बंद नहीं कराई जा रही है, हमारे टेम्पो में भी कोई कितने अवैध गाड़ियां हैं, नकली परमिट ले लेकर कर चला रहे हैं साहब, नकली परमिटों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रशासन के सामने हम दोबारा आए हैं, आज 24/6/19 को दोबारा आए हैं। हमारा परमिट अटूंडी चौराहे से लेकर के यूनिवर्सिटी तक का है, जिसपे हमने पूरी लंबी भी गाड़ियां चलाई है पहले, और उसमें हमारे को प्रशासन ट्रैफिक पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। हम कह रहे हैं कि लंबी नहीं जाके जा रही है, उसको कोई बंद नहीं करते हैं, तो हमने आज तक के अपना वो रोक लिया, हमने पूरी लंबी गाड़ी चलती है लेकिन कोई चलने नहीं देता है, कोई सहयोग नहीं करता। नहीं मांगे पूरी करी, आज हमने स्ट्राइक रखी है रूट नंबर 7 की, और फिर स्ट्राइक रखेंगे जैसा भी है, फिर आगे देखते हैं कि क्या हमें आश्वासन देता। नाम बताओ। राजकुमार सोनारिया, उपाध्यक्ष।